बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबरक व तआला के फजल व करम से खैर व अफियत होंगे। आज 11 मुहर्रम जुमेरात का दिन है। आज के दिन अपने हाथ की उंगलियों पर 33 बार ये कलिमात पढ़ लें जो मैं आज आपको बताऊँगा। यकीन कीजिए, अल्लाह तबरक व तआला की गैब मदद का ऐसा मौजज़ा आप ख़ुद देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह पाक से जो मांगेंगे आपको मिलेगा। अगर आप बे औलाद हैं तो आपको औलाद खुशखबरी मिल जाएगी। अगर आपके घर में रिजक में तंगी है, घर के मौली हालात ख़राब हैं, आपको अर्जेंट पैसे चाहिए किसी भी काम के लिए लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, तो यकीन कीजिए अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल परेशानी को फौरी ख़त्म कर देंगे। अगर आपके घर में रिजक के दरवाज़े बंद हो चुके हैं तो इंशाल्लाह ताला एक ही दिन में आपके घर में गैबी दौलत आना शुरू हो जाएगी। बेशक ये अमल करके इसका मौजज़ा आप अपनी आंखों से देख लें। मेरी बहन और भाइयों, अल्लाह तबरक व तआला के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो पाक ज़ात हमें इसी इंतज़ार में बैठी है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूँ। तो अल्लाह पाक ने हमें कुछ ऐसी तस्बीहात बताई हैं, कुछ ऐसे कलिमात बताए हैं कि जिनको पढ़कर अगर अल्लाह पाक से मांगा जाए तो मेरा पाक अल्लाह फौरी अता करता है। तो ये आज का वजीफ़ा, ये आज के जो ख़ास कलिमात हैं उन्हीं मुजर्रब वज़ाइफ़ में से हैं। ये बुज़ुर्गान दीन के बताए हुए आमाल हैं। इनको पढ़ कर अगर अल्लाह पाक से मांगा जाए तो मेरा पाक अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये आज का वजीफा आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। बस आपने करना ये है कि जब आपने वजीफा करना है तो आपका मकसद आपके जहन में होना चाहिए। अल्लाह पाक से जो आप मांगना चाहते हैं उसका तस्वुर अपने जहन में रखकर आपने ये अमल करना है। आपने अव्वल और आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। दरमियान में आपने अपने हाथ की उंगलियों पर 33 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं। फाबी अय अला रब्बी को मा तुकज़िबान, फाबी अय अला रब्बी को मा तुकज़िबान। ये सूरत रहमान की आयत है। इसको आपने 33 मरतबा अपनी हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। जैसे आप 33 मरतबा इस आयत को पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 11 मरतबा अपनी आंखें बंद करके अल्लाह पाक का एक नाम या सामियू यानी ए दुआओं को सुनने वाले, इस नाम को पढ़ने की फजलत ये है कि जो बंदा इस नाम को पढ़ कर अल्लाह पाक से दुआ करता है तो मेरा पाक अल्लाह अपने बंदे की दुआ को सुनता है और जो मांगता है अल्लाह पाक की ज़ात ज़रूर अता करती है। तो आपने आँखें बंद करके या समियो का आपने विर्द करना है। 11 मरतबा आपने इसको पढ़ना है और आखिर में दुरूद पाक पढ़ अल्लाह पाक से मांगे। यकीन कीजिए जो मांगेंगे वो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा, आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। तो ये अमल आप लाजमी करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें।